हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज थीम स्टाइल। सैमसंग के इस फोन में थीम स्टाइल और ऐप आइकन वगैरह चेंज करके अपना फोन को एक शानदार लुक दे सकते हैं। थीम स्टाइल बदलने के लिए सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट थीम्स पे क्लिक करना है। दोस्तों गैलेक्सी थीम स्टोर के अंदर आपको तरह तरह की थीम स्टाइल देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप नया नया ट्रेंडिंग थीम, टॉप रेटेड थीम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पेड और फ्री दोनों तरह की थीम अवेलेबल है। पहले हम आपको फ्री थीम स्टाइल अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ टॉप सेक्शन में ऑल पे क्लिक करके फ्री वाला थीम चूज कीजिए। यहाँ से आप कोई भी थीम स्टाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थीम डाउनलोड करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर डाउनलोड या फ्री का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। मेटालिक थीम फाइल डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद अप्लाई कर देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में थीम स्टाइल चेंज हो चुका है और ये काफ़ी कूल दिख रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ ऐप आइकन को भी कस्टमाइज किया जा सकते हैं। ऐप आइकन कस्टमाइज करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके थीम स्टोर में जाइए। इसके बाद आइकॉन पर टैप करना है। दोस्तों गैलेक्सी स्टोर के अंदर तरह तरह की पेड और फ्री आइकॉन पैक मिल जाएगा। यहाँ टॉप सेक्शन में जाके पेड और फ्री ऐप आइकॉन चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऐप आइकॉन पैक बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से आप अपना पसंदीदा एक आइकॉन पैक चूज कर लीजिए। हमने जो आइकॉन पैक पिक किया है वो अभी फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर डाउनलोड या फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्यूट बियर वाला आइकॉन फाइल डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अब देखिए सभी एप्लीकेशन का आइकॉन स्टाइल बदल गया है और बहुत यूनिक दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से थीम स्टाइल और ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब मान लो कि कुछ महीने बाद ये डिजाइन वाला थीम स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप पुराने थीम और ऐप आइकन पर वापस जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करके थीम्स में जाइए। इसके बाद मेनू पे टैप करके माई स्टॉप ओपन करना है। आप थीम स्टाइल में जाके डिफॉल्ट थीम अप्लाई कर सकते हैं और जो थीम हमने डाउनलोड करके रखे हैं उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डिफॉल्ट थीम सेट करने से ऐप आइकन भी डिफॉल्ट हो जाते हैं। बाद में आप आइकॉन सेक्शन से जो आइकॉन पैक डाउनलोड करके रखे हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पेड और फ्री थीम स्टाइल एंड आइकॉन पैक डाउनलोड करके अपना फ़ोन कस्टमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।